आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज न्यू वीडियो सो दोस्तों आज का डेट है ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैब थर्स डे एंड करेंट टाइम इज इलेवन डॉट जीरो सिक्स ए एम सो आज के दिन भी मार्केट ने बियर इस सेंटीमेंट एंड ओवर व्यू को यहाँ पर कंटिन्यू किया है सो so, ओवरऑल अगर मार्केट व्यू को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाए तो कंटिन्यूसली प्रीवियस थ्री फोर डेज से जब से मेजर ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हुआ है मार्केट इज कंटिन्यूसली सेलिंग ऑफ तो मेजर रेंज को अगर अगेन यहाँ मार्क किया जाए तो द मेजर सपोर्ट इज अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड जो मेजर रेजिस्टेंस था कि मार्केट अगेन एंड अगेन हायर लोस के साथ इन पर्टिकुलर लेवल्स को टेस्ट किया एंड ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई ब्रेकआउट के बाद मार्केट सक्सेसफुली सस्टेन इसको नहीं कर पाया करंट डे पर प्रेजेंट डे ऑफ द ब्रेकआउट पर ही मार्केट नेगेटिवली क्लोज हुआ एंड देन अगेन एंड अगेन वीकनेस है तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर सेल ऑफ़ हो रहा है ओपनिंग के बाद बाइंग साइड का मोमेंटम देन मार्केट स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो यही एक सिंगल पैटर्न पर आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि वी आर एग्जीक्यूटिंग द सेलिंग साइड ट्रेड कंटिन्यूसली कि मार्केट ओपन होता है बाइंग साइड मार्केट बायर्स पुश करता है फिर इसके बाद स्ट्रेंथ होल्ड नहीं कर पाता है कि अगेन हायर लेवल्स तक मार्केट नहीं आ पाता है तभी तो मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करेगा बाइंग साइड ब्रेकआउट होने के लिए रेजिस्टेंस लेवल तक आना जरूरी है तो वो स्ट्रेंथ का साइन होता है तो मॉर्निंग से हर एक दिन का स्नेरियो देखेंगे तो बाइंग स्विंग में बायर्स अगेन रेजिस्टेंस पर पुश कर ही नहीं पाया है तो ये सारे डेज पर हमारा सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया ट्वेंटी फर्स्ट फैब को भी ट्वेंटी फैब को भी सेवनटीन ऑल्सो एंड दिस सिक्सटींथ एंड द रिसन ट्वेंटी सेकेंड ऑल्सो कि आफ्टर आज के दिन बट यहाँ पर बाइंग स्विंग का क्रिएशन नहीं हुआ ये कंटिन्यूशन पैटर्न फिर फिर शॉर्टिंग पोजिशन को बनाया गया बेस्ड ऑन दैनिक सेलिंग सो ऑल ट्रेड्स वर इन दि सेलिंग डायरेक्शन एंड आज का भी अगर मार्केट बिहेवियर देखेंगे तो मॉर्निंग में मार्केट सेल ऑफ हुआ अब मार्केट अपने मेजर लेवल्स के काफी ज़्यादा करीब है तो दिस वन इज द मेजर सपोर्ट लेवल तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट या फिर आज के दिन बियरिश नेगेटिव अगर बिहेवियर कंटिन्यू होता है तो एटलीस्ट मिनिमम इंट्राडे लो तक का तो मोमेंटम आज के दिन यहां पर देखने को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न एंड सिनेरियो सो आज के बिहेवियर भी अगर देखेंगे तो मार्केट सेल ऑफ हुआ बायर्स ने स्ट्रेंथ को यहां पर सिग्निफाई किया कि ये काफी एक बुलिश साइन होता है बिहेवियर होता है कि सेलिंग मोमेंटम के बाद इन सेलिंग ट्रेंड प्राइसेस कंटीन्यूअसली पैनिक बिहेवियर में रिवर्स करें तो पैनिक बिहेवियर क्यों कहा जा रहा है कॉ साइज़ ऑफ द कैंडल्स देख सकते हैं वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है पेस ऑफ मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि काफ़ी कम कैंडल्स में जस्ट थ्री कैंडल्स में मार्केट ने पूरे मोमेंटम को रिवर्स किया एंड ब्रेकआउट को भी यहां पर क्रिएट किया है बट आफ्टर दिस ब्रेकआउट यहां पर सेलिंग पोजिशन बिल्टअअप किया गया है नेगेटिव बिहेवियर देखने को यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सो मार्केट करेंटली जो आज का इंट्राडे हाई क्रिएशन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट ने क्रिएट किया है इसके बाद मार्केट में सेलिंग बिहेवियर या स्ट्रेंथ मार्केट बाइंग साइड पर होल्ड नहीं कर पा रहा है सो so, इसी बेसिस पर आज का एक्सपेक्टेशन है कि वी आर बियरिश बिलो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल तो कंफर्मेशन हो जाएगा ये जो सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया है अगर अगेन जैसे अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है ये पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ये ट्रेड यहाँ से हाईली कन्फर्म हो जाएगा तो इसी पर्टिकुलर लेवल को कन्फर्मेशन लेवल को आप सभी के साथ शेयर किया गया ऑन टू आवर टेलीग्राम चैनल सो इलेवन डॉट जीरो ए एम पर ही यहाँ पर शेयर किया गया दैट वी आर बियरिश बिलो सपोर्ट बिफोर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस सपोर्ट लेवल तो सेवनटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी यहाँ पर मैंशन किया गया सो so, ऐसे ही लगातार ओवरव्यूज को यहाँ पर शेयर किया जाता है कल का ओवरव्यू जैसे मैंने मैंशन किया गया कि बियरिश बिलो ये सपोर्ट था तो मार्केट काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला

तो अगेन यहाँ पर भी शॉर्टिंग पोजिशन बिलो सपोर्ट के बाद काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला इसके पहले भी देखेंगे तो अगेन जैसे मेंशन किया गया सेवनटीन फाइव तो यहाँ भी इंट्राडे डे हाई रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट किया अगेन सपोर्ट्स देन बायर रेजिस्टेंस तक कुछ ही नहीं कर पा रहा है स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट में बायर्स होल्ड अपर लेवल्स को यहां पर नहीं कर पा रहा था सो अगेन बियरिश बिलो सपोर्ट तो ये कंफर्मेशन लेवल के बेसिस पर एक काफी अच्छा मोमेंटम अगेन सेलिंग साइड का देखने को मिला सो so, टेलीग्राम चैनल को इसी तरह के रेगुलर लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो करंटली ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो पीएनएल इज इन अ लॉस ऑफ अराउंड 13000 रुपीस दी सपोर्ट फॉर्मेशन मार्केट करेंटली सपोर्ट सस्टेन कर रहा है अब जो देखिएगा करेंट बिहेवियर है अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करेंगे तो जो एनालिसिस है यहाँ पर मार्केट शुड नॉट रिवर्स और ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल कि जो करंट ये जो सेलिंग का ब्रेकडाउन है कि यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग लो के ब्रेक पर हैवी एग्जीक्यूशन या ये बाइंग साइड का ओवरव्यू यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हुआ है तो ये सपोर्ट ब्रेक्स पर हुआ है यहां से सेलिंग एक्टिविटी आया है तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा उसका इंपॉर्टेंस मार्केट में काफी ज्यादा होता है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये रिवर्सल ऑफ दिस सेलिंग साइड एग्जीक्यूशन माना जाएगा सो करेंट पी एन देखेंगे तो इट्स इन अ अराउंडी फोर थाउजेंड रुपीज एंड अगर मार्केट ये लेवल्स के टेस्टिंग के लिए आ जाता है तो वी विल एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ब्रेक का वेट नहीं करेंगे पहले ही जैसे ही पी एन एल हमारा नेगेटिव अगर रिफ्लेक्ट हो जाता है इन दी लॉसेस तो डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर्स पर एग्जिट किया जाएगा सो करंट पी एन एल अराउंड सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज जो एस एल या स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेशन है कि एट टू नाइन पॉइंट्स तो आज का ट्रेड भी एक हायर रिस्क के साथ लिया गया है तो द लॉस एक्सपेक्टेशन विल बी अराउंड एटी थाउजेंड रुपीज तो एटी थाउजेंड रुपीज का एक्सपेक्टेशन अगर नेगेटिव जाता है तो वहां तक हम होल्ड करेंगे सो करेंट लॉस इज अराउंड सिक्स थाउजेंड रुपीज एग्जिट ऑर्डर को रेडी रखेंगे जिससे अगर रिवर्सल होता है तो यहां पर हम मार्केट्स में एग्जिट कर सकें लिमिट ऑर्डर रेडी रखेंगे आइसबर्ग ऑर्डर फाइव लेग्स एंड वन ट्वेंटी सेवन चल रहा है तो वन यहाँ पर ट्वेंटी का हम ले सकते हैं ओके सो करेंट टाइम इज इलेवन डॉट एटीन एम एंड अकॉर्डिंग टू द ओवर व्यू मार्केट यहाँ पर रिवर्सल को क्रिएट किया है सो आई हैव एग्जिटेड द पोजिशन की क्विक मोमेंटम था तो आई वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट आई शुड बुक द लॉसेज दैन आई शुड रिकॉर्ड द वीडियो सो आई हैव बुक द लॉसेज ईयर हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट किया है

अब मार्केट करेंटली यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस किया है अब ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि यहाँ से रिवर्सल आता है और या फिर तो बायर स्ट्रेंथ होगा तो हायर लेवल्स को होल्ड करेगा तो आज के दिन यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो बाइंग साइड का अगर ओवरव्यू देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पर रखा जाएगा कि अगर प्राइसेस इन लेवल्स तक रिवर्स होता है तो देन आज का सेंटीमेंट बाइंग साइड का या बुलिश बिहेवियर मार्केट्स में कंसीडर किया जाएगा बट मेरे ट्रेड्स यहाँ पर वन सिंगल ट्रेड आ डे पर बेस्ड होते हैं कि ईधर एस और इधर टारगेट एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड को वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है सो so आज का ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर फॉल्स हुआ है कि वी आर वीअरिश बिलो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल तो जब इसे शेयर किया गया तो शेयरिंग के बाद सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट सपोर्ट लिया एंड अगेन बाउंस बैक बट जैसे कि मेरा पोजीशन थोड़ा सा होता है तो मेरा एंट्री ले लिया गया था तो रिवर्सल हुआ है तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है सो दिस वॉज फॉर टूडे स्टॉप लॉस टारगेट इज द पार्ट ऑफ द गेम रेगुलर अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है आज ऐसा है तो कल ओवरव्यू हमारा वहां पर ज्यादा चांसेस है कि करेक्ट हो सकता है सो रेगुलर लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड वी हैव स्टार्टेड विथ 17 डेज वीडियो प्रोग्राम एंड एट आवर्स ऑफ वीडियो सेशन जो कि रिकॉर्डेड सेशन है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो इन सेशंस में हमने डिस्कशन किया है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल मेथड्स या कैसे यहाँ पर ओवरव्यू प्लानिंग किया जाता है एंड देन इस पर्टिकुलर रेंज में एंट्रीज को बनाया जाता है तो ये पूरे लॉजिक्स वहां पर डिस्कस किए गए हैं तो उसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं एंड जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देट बाय टू ऑल एंड सी आर